तो प्रधानमंत्री मोदी 21 से 27 सितंबर के बीच यूएस दौरे पर हैं, अभी भी वो यूएस में हैं और 22 सितंबर को होने वाला हुआ कार्यक्रम हाउडी मोदी दुनिया के लिए एक बिल्कुल साफ तौर पर एक संदेश रहा कि अब बदलते भारत की तस्वीर है और कल वह भारत लौट रहे हैं। आइए, इस मामले में कैसा रहा यह उनका दौरा और किस मामले में यह खास रहा, हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण बिहारी उपाध्याय जी, जो कि अक्सर इस अगर विदेश नीति की बात करें तो उसे बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं। सर, बड़ा खास रहा यह दौरा, बहुत कुछ संदेश मिला और 22 सितंबर को हुआ कार्यक्रम हाउडी मोदी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हाउडी मोदी प्रोग्राम वहाँ के जो इंडो अमेरिकन्स हैं, जो वहाँ नौकरी करते हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया और उसके टिकट्स बेचे गए, उसी से उसका खर्च निकला, जो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मोदी अपने खर्चे पर ट्रंप का प्रचार करने गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को विदेश नीति और कूटनीति, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं अंग्रेजी में, उसका या तो ज्ञान नहीं है या वो आँख मूंद के और मोदी का अंध विरोध कर रहे हैं। कूटनीति में जो कहा जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है, जो नहीं कहा जाए उसको ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, आप लाइन के बीच में पढ़ने की कोशिश करिए कि वो कह क्या रहा है। आपने जब बात की कि मोदी गए हैं वहां विदेश अमेरिका, अब देखिए मोदी ने कौन सा समय चुना, यूएन का ओपन असेंबली 74वां जनरल अधिवेशन, वो समय चुना। यू इंडो अमेरिकन्स ने इनको इनवाइट किया, हाउडी मोदी, हाउडी का मतलब होता हाउ डू यू डू, हाँ आप कैसे हैं, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसकी कवरेज के लिए उन्होंने अपने फंड इकट्ठा किया, जो इंडो अमेरिकन्स हैं उन्होंने अपने टिकट खरीदे और टिकट बेचे, जिससे वहाँ फंड इकट्ठा हुआ और फंड जनरेट हुआ। अब आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि उस मंच से आके जब मोदी ने आतंकवाद को ललकारा बिना नाम लिए, पाकिस्तान का बिना नाम लिए, इमरान का बिना नाम लिए, उन्होंने ललकारा आतंकवाद को, तो ट्रंप ने आके उनके प्रोग्राम में कहा आई सपोर्ट द इंडियन मूव अगेंस्ट द इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। अब उसको देखिए, मैंने देखा कि कई लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि दूसरे दिन इमरान खान के साथ वो थे तो उन्होंने अपना वक्तव्य बदल दिया। उन्होंने वक्तव्य नहीं बदला, उन्होंने ट्रंप ने अपने नाम में ये तो नहीं कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म दुनिया के अन्य भागों में भी है, सीरिया में है, इराक में है, कजाकिस्तान में है, ईरान में है, कहाँ नहीं है, 56-57 मुस्लिम देशों में आधे से ज़्यादा में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है। क्या फ्रांस में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म नहीं हुआ जिसमें हत्याएं हुई, अटैक हुआ वहाँ? कौन लोग हैं सर इस पर जो कह रहे थे कि नहीं ट्रंप ने बात? अब देखिए इसमें आपके एक बहुत मूर्धन्य पत्रकार है जिनको विश्व के प्रत्येक सबसे ईमानदार अपने को सर्टिफिकेट दे देते हैं, उनका एक ना का नाम है रवीश कुमार, एक वायर की है कोई इरफाना की क्या नाम है वो, ये लोग टैली कर रहे थे उसको, इनको बताओ डिप्लोमेसी होती क्या है, डिप्लोमेसी की डी पता है तुमको? इंटरनेशनल फोरा में जब किसी डायस से कोई एक स्टेट हेड किसी को ललकार रहा है और उसको दूसरे देश में जाके, मोदी वॉज नॉट एड्रेसिंग द इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया, ही वॉज एड्रेसिंग द इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका, और उसमें से उनको सुनने के लिए 170 नहीं 2000 किलोमीटर से लोग आए थे, 1300 किलोमीटर से लोग आए थे, इंडो अमेरिकन से नहीं थे और उसमें दूसरे मुल्कों के भी लोग थे। मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए आप कि डोनाल्ड ट्रंप, जो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ ऑन द अर्थ माना यही जाता है और है भी, जो अमेरिका भाई इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, मिलिटरली भी बहुत स्ट्रांग है, वो बैठ के सामने डायस पर सुन रहा है, मोदी खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, ये कभी हुआ है क्या किसी इतिहास? 370 पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के तहत दो तिहाई बहुमत से ही हमने किया, जबकि कुछ दिन पहले ही यही ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार। देखिए, मोदी ने अपने स्टेटमेंट से तीन संदेश दिए इनको कि हम डिप्लोमेसी करेंगे लेकिन हम किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं,
हमारे देश की संप्रभुता पर अगर आक्रमण हुआ तो वी आर फ्री टू डिफेंड आवर सेल्फ, और हम बालाकोट जैसा एक्शन या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन या इवन टर्मिनल एक्शन आपके खिलाफ कभी भी ले सकते हैं। और इमरान खान क्रिकेटर अच्छे हो सकते हैं लेकिन डिप्लोमेट नहीं हो सकते हैं, उनको डिप्लोमेसी का एबीसी भी नहीं आता। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जो कह रहा है वो जो इरफाना वायर की जो है, जिनको ये नहीं पता है कि डिप्लोमेसी होती क्या है और कूटनीति के स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जब चल रहा था तो एक पत्रकार ने कश्मीर, उनके पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा, बेइज्जती हुई, हाँ पूछा ट्रंप से, तो कहा आपने मोदी के साथ मंच है क्या, कहाँ से ले आते हो भाई इनको, एक करारा तमाशा की तरह। हाउ यू, तो ये दिखाई नहीं दे रहा क्या इरफाना को या रवीश कुमार को या निशांत वर्मा को या कांग्रेस को या राहुल गांधी को, इनको बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। मैं नहीं कहता कि ट्रंप आपको सपोर्ट करने जा रहा है, भाई ट्रंप अपने देश को सपोर्ट करेगा पहले। क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो ये रिश्ता है एक नए ही दौर में है, जो पुराना पुरानी जो बातें थी उससे हटकर अगर देखा जाए तो एक बहुत अलग दौर में है क्या? ना देखिए, आप अमेरिका को अगर फॉलो करते हैं, अमेरिकन नीति को फॉलो करते हैं, तो 1962 का जब वार हुआ तो रूस आपके साथ नहीं था, रूस ने आपको सपोर्ट नहीं किया था। रूस का उस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे लियोनिद ब्रेजनेव और निकिता ख्रुश्चेव वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट था इंडिया इज़ आवर फ्रेंड बट चाइना इज़ आवर ब्रदर, जबकि वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट 1960 में डिवाइड हो चुका था। अमेरिका ने आपको सपोर्ट किया था नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में, जितने आपके एयरबेस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसको अपडेट करके एक महीने के अंदर दिया था आपको, अमेरिका ने आपको सपोर्ट किया था। बिकॉज अमेरिका इज ए सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री, वो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका अपने हित को पहले साधता है। यानी व्यापार सबसे नहीं, व्यापार नहीं, उसका अपना हित, चाहे वो व्यापार में उसका हित हो, चाहे वो हथियार बेचने में उसका हित हो, चाहे प्रोडक्शन में उसका हित हो, सब उसको वहाँ से चाहिए, वहाँ वो मार्केट चाहिए जो उसके हित को साधता हो। अरब कंट्रीज के पास F-16 और हथियार कहाँ से आते हैं? सीरिया में दोनों पक्षों को हथियार कौन दे रहा है? हथियार तो रूस और अमेरिका बनाते हैं भाई, बड़े मैन्युफैक्चरर तो यही हैं, बेचता कौन है इनको? तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो अमेरिका के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करके आ रहे हैं, तो क्या एक उम्मीद क्या करें कि नहीं? अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ रहना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मैसेज जा चुका है कि अमेरिका इज इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए सुपर पावर इन एशिया, और चाइना के साथ कोई कम्पीट कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है। अमेरिकन हित इस बात में है कि चाइना एशिया को लीड न करे, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को का बड़ा कंपटीटर है। तो अमेरिका अपने यहाँ का जो इंडिया में लेबर अभी चीप है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ बनाएगा, तो इकोनॉमिक वार के लिए भारत की सहायता एक तरीके से मिलेगी। बिल्कुल, वो आपको सहायता भी आपको लेगा, आपको यूज भी करेगा, लेकिन मोदी यूज नहीं होगा चाइना से, वो अमेरिका से। आप जरा सा देखिएगा, नेतन्याहू से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम में तेल अबीब की बात आई तो मोदी ने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, तेल अबीब को राजधानी की मान्यता नहीं दी। नेतन्याहू से बहुत अच्छे संबंध थे, नेतन्याहू से आज भी अच्छे संबंध हैं, इसराइल से भी अच्छे संबंध हैं, हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है वो, लेकिन जो डिप्लोमेसी है वो अलग होती है और राजनीति विदेश नीति अलग होती है। विदेश डिप्लोमेसी इज ए वेरी स्ट्रांग पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वेरी स्ट्रांग पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यानी किसी पर निर्भर होकर निर्णय भारत नहीं लेगा। आप डोकला देख लीजिए, चाहे जब से मोदी पावर में आए हैं 2014 से, उसके पहले की विदेश नीति को देखिए, मणिशंकर अय्यर तय करते थे विदेश, हम पर पाकिस्तान इतना, हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुए, वी स्ट्रांगली कंडेम इट, वी डू दिस, ये शशि थरूर आपके वहाँ प्रतिनिधि हुआ करते थे यूएन में, और ये आपका पक्ष रखते थे,
और कुछ नहीं होता था। आज की तारीख में जब हाफिज सईद को इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था तो आपका पक्ष किसने रखा? आपका पक्ष अमेरिका ने रखा, मूव किया अमेरिका ने, सपोर्ट किया ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रूस ने, बड़े बड़े देशों ने, खाली चाइना आपके अगेंस्ट था और हाफिज सईद हो गया, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।